वेलकम टू माई चैनल। तो अभी इस वक्त मैं हूँ गोवा के एक बहुत ही अमेजिंग बीच पे। तो हम देखेंगे आगे इस वीडियो में कि ये बीच कैसा है। और अभी चल रहा है 2024 और 2024 के ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। सो हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। होपफुली आपका ये साल बहुत अच्छा जाए, जो भी आपने सोचा है वो आप इस साल अचीव कर पाए। और मैं इतने दिन कहाँ थी, बहुत दिनों के बाद ये मैं पहली वीडियो डाल रही हूँ, तो वो मैं कभी और डिस्कस करूँगी। और ये बीच बहुत अच्छा है और आज हम ट्राई करेंगे कि हम कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स कर सके यहाँ पे। तो यहाँ पे एक एक्सक्लूसिव स्पोर्ट्स होता है जो कि आपको सिर्फ इसी बीच पे मिलेगा। वो कौन सा स्पोर्ट्स है आगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। और मैं अपने चैनल पे गोवा से रिलेटेड ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस एंड अपडेट्स लाती रहती हूँ। तो अगर आपको गोवा की वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मेरी ऐसी वीडियोज़ आए तो आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी हम केरी बीच के पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, बट यहाँ पर भी आप अपनी कहीं पे भी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। और ये जो एरिया है ये ज़्यादा खाली रहता है। और इस हम जा रहे हैं आगे क्योंकि हमें करनी है पैराग्लाइडिंग और ये रास्ता बहुत ही उबड़ खाबड़ है। तो यहीं से हम आगे जाएंगे, आगे एक टेम्पल है उसके पास हम गाड़ी पार्क करेंगे और वहाँ से चल के हम आगे की तरफ जाएंगे। तो अगर आपको दिख रहा है, आई डोंट थिंक आपको दिख रहा होगा, बट वहाँ पे ऊपर पैराग्लाइडिंग हो रही है। और यहाँ पे ये छोटे छोटे शॉप्स स्टॉल्स हैं जहाँ पे अगर आपको कुछ खाना है तो आप वो खा सकते हैं। और केरी बीच पे अगर आप देखेंगे तो ये पीछे ऐसे कुछ स्टोन्स हैं। तो यहाँ पे एक पाथवे बनाया था पहले पाथवे, बट अभी शायद टूट गया है तो वो फिर से कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो पीछे पूरे ऐसे स्टोन्स लगे हुए हैं। और अगर आप उस साइड से आएंगे तो उस साइड पे वो पाथवे आपको दिखेगा। बहुत ही लंबे स्ट्रेच पे है ये बीच, तो मैं अभी आपको बीच दिखा देती हूँ। बहुत कम लोग हैं, इतना ज़्यादा क्राउड नहीं है यहाँ पे। तो उस साइड से हम लोग आए थे और हमने यहाँ से पीछे से अपनी कार ली थी और कार को हमने यहीं पर पार्क किया है। तो यहाँ पे आप इस पूरे स्ट्रेच पे अपनी कार कहीं पे भी पार्क कर सकते हैं। आगे एक टेम्पल है और वहाँ से वो एंड है बीच का। और उस साइड पे बहुत सारे लोग हैं जो स्विम कर रहे हैं। एंड अगर आप इस साइड से आते हैं तो वहाँ पे वो पाथवे बना हुआ है और उससे आप चल चल के आ सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे ईटिंग स्टॉल्स भी है, छोटे छोटे स्टॉल्स हैं। और आगे कुछ और वाटर स्पोर्ट्स भी हो रहे हैं। तो अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स करना है तो वो भी मैं आगे चेक करूँगी कौन कौन से वाटर स्पोर्ट्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे स्कूबा डाइविंग भी होती है, तो आप यहाँ से स्कूबा डाइविंग भी कर सकते हैं। तो वो उस स्पॉट पर हो रही है, मगर हम थोड़ा इस साइड पर चल के जाएंगे, बिकॉज जो हम एक्टिविटी आज करने वाले हैं, स्पोर्ट्स ट्राई करने वाले हैं, वो एक्सक्लूसिवली यहाँ पर होता है केरी बीच पे, विच इज़ पैराग्लाइडिंग, जो कि ऑलरेडी सामने हो रहा है, मुझे दिख रहा है, बट कैमरा इसको कैप्चर नहीं कर पाएगा। तो अभी हम आगे जाएंगे एंड वील सी व्हाट आर द रेट्स और मीट माय सिस्टर। अभी इसकी मुझे फ़ोटोज़ भी खींचनी है, तो वो भी एक टास्क है। तो चलिए जल्दी से उसकी फ़ोटोज़ खींचती हूँ और अपनी भी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाती हूँ। तो यहाँ पे काम चल रहा है अभी फ़िलहाल तो, बट एक बार जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा, मुझे जो लग रहा है कि यहाँ पे ये लोग पाथवे ही बना रहे हैं। तो क्योंकि पहले थोड़े आगे तक था पाथवे, तो उसके लिए ये पूरे स्टोन्स इन्होंने यहाँ पर ला करके रखे हैं, जो आप पीछे ब्लॉक्स देख रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ दिस बीच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं है यहाँ पर, आगे की साइड पे है थोड़ा क्राउड, बहुत सारे लोग स्विम कर रहे हैं। यहाँ पे लाइफगार्ड भी है और इंटरनेशनल क्राउड भी है, एंड जो इंडियन क्राउड है वो भी है। सो मिक्स क्राउड मिलेगा आपको यहाँ पे। सो दिस इज़ हाउ द बीच राइट नाउ, ब्यूटीफुल बीच। और मैं बहुत टाइम के बाद, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के बाद मैं बीच पे आ रही हूँ। मैं गोवा में नहीं थी एक्चुअली, इसलिए आपको गोवा की वीडियोज़ नहीं मिल रही थी। ऑफिशियल पर्पज़ से मैं हैदराबाद गई हुई थी और बीच में मैं हिमाचल भी गई थी। तो दीज वर दी 2 लोकेशन जो मैं 2 महीने में घूम रही थी। सो दैट इज़ वाई आपको गोवा की वीडियोस नहीं मिल रही थी, बट आई एम बैक इन गोवा। तो आपको गोवा की वीडियोस भर भर के मिलेगी। अगर आपको कोई भी सजेशन चाहिए गोवा के ट्रैवल को लेकर के, या आपके कुछ क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी जितना मुझे पता है मैं आपके कॉमेंट्स के रिप्लाई करके आपको हेल्प कर पाऊँ। सो दिस इज़ हाउ द बीच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। ये जो केरी बीच है वो एंड बीच है गोवा में, और गोवा का लास्ट बीच है। इसके
आगे अगर आप जाएंगे अरम्बोल है, अरम्बोल के बाद केरी बीच आता है और केरी बीच के बाद महाराष्ट्र बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है, तो दैट इज़ वाई। और यहाँ पे स्कूबा डाइविंग, पैराग्लाइडिंग, ये सारे वाटर स्पोर्ट्स हो रहे हैं। तो इस पूरे स्ट्रेच पे आप वॉक करते हुए जा सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से वॉक करेंगे और जो वो पहाड़ डोंगर देख रहे हो आप, उस पे ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है अगर आपको पैराग्लाइडिंग करनी है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी स्विम कर रहे हैं। यहाँ पे लोकल क्राउड भी बहुत ज़्यादा होता है, तो जो लोकल्स हैं वो भी इस बीच को विज़िट करते हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी बीच बेड्स अवेलेबल है, तो अगर आपको रेस्ट करना है तो आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। और पीछे जो शैक्स है उनके पास खाना भी अवेलेबल रहता है, तो वहाँ पे आप अपने लिए कुछ खाना मंगवा करके थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको दिख रहा होगा ऊपर यहाँ पे ये पैराग्लाइडिंग हो रही है, तो हमें वहीं पे ऊपर की तरफ जाना होगा और उस साइड पे कुछ रॉक्स हैं, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको पिक्चर्स क्लिक करनी है तो बहुत अच्छी पिक्चर्स आती हैं वहाँ पे। तो अभी हम लास्ट में चलेंगे, सो लेट्स गो। अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट आई हियर, बहुत सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट अभी इस वक्त पे, और यहाँ पे ये ऊपर पैराग्लाइडिंग हो रही है। तो अगर आप केव स्पॉट पे जाना चाहते हैं तो यहाँ से ये रॉक का रास्ता है, यहाँ से आगे की तरफ है। और अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो 7 o'clock से पहले पहले आइए, बिकॉज उसके बाद पानी पूरा केव में अंदर की तरफ भर जाता है, तो फिर अलाउड नहीं होता है आपको जाने के लिए। तो ये रास्ता है, यहाँ से सब लोग अभी जा रहे हैं वहाँ केव वाली साइड पे। सो यू कैन सी ये जो सारी भीड़ अभी आ रही है इस साइड पे, ये इस केव के लिए आ रही है, और यहाँ से ये केव है। This is the cave area. और यहाँ पे भी आप बैठ सकते हैं and you can click some nice pictures. This is the spot. थोड़ा सा रिस्की रास्ता है and then you have to go side. You can see ये पूरा rock area है और यहाँ से अंदर जाना पड़ता है। सो लेट्स सी, देखेंगे तो वो गुफा है। दिस इज अ ब्यूटिफुल स्पॉट हियर। ए लेट्स गो, हैव टू बी केयरफुल एंड गेट अप। तो अगर आप देखेंगे तो दिस इज अ केव। ये केरी बीच का मेन अट्रैक्शन है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये केव है एंड देन यहाँ पे रील्स बहुत अच्छी आती है, तो अगर आप अपनी कुछ रील्स एंड फोटोज क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक चल रहा है फोटोशूट एंड देन फ्रॉम हियर यू गो आउट। तो ये सामने समुद्र है, इट लुक्स सो सो अमेजिंग। और यहीं पे इस साइड पे एक और केव है, तो जो अभी मैं जहाँ से आई ये ओपन केव है एंड इस साइड वाली ये जो केव है ये क्लोज केव है, यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, बट दिस इज़ ऑल्सो एन अमेजिंग। तो अगर आपके पास बढ़िया सा कैमरा है तो यहाँ पे आपकी फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आने वाली है। तो यू कैन सी Looks so amazing. And we are going back. अब हम ऊपर जाएंगे, we'll go up. आ
अब हम पैराग्लाइडिंग के लिए जा रहे हैं, तो ये स्पॉट है। तो अगर आप देखेंगे तो ये स्पॉट है और यहाँ पीछे से हमें अंदर की तरफ जाना है। सो लेट्स शो यू। ओके, तो यहाँ से आप एंट्रेंस लेते हैं, वो टेंपल है और टेंपल के पीछे से ही यहाँ से ये एंट्रेंस है। तो हम अभी पीछे की साइड से जाएंगे, लेट्स गो। और वहाँ पे ऊपर उस स्पॉट पे पैराग्लाइडिंग हो रही है। तो यहाँ से ये थोड़ा सा ऐसा रास्ता है, लेट्स गो क्विकली। सो यू हैव टू गो अप फ्रॉम हियर। अगर आपको पैराग्लाइडिंग करनी है तो मैं आपको पूरी डिटेल्स बताती हूँ, टाइमिंग क्या रहेंगे और प्राइस हमने क्या पे किया है। यू कैन सी ऊपर ये सारी पैराग्लाइडिंग हो रही है अभी यहाँ पे। थोड़ा सा ट्रैक करके ऊपर की तरफ जाना होता है। तो यहाँ पे पैराग्लाइडिंग एंड पैरामोटरिंग दोनों होती है। तो यहाँ से आपको बीच दिखाई देगा, मेरी सांस फूल गई है। तो दिस इज द बीच। तो अगर आप पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं तो 2:00 से यहाँ पे शुरू होता है टाइमिंग एंड 6:00 तक रहता है। और हवा के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर हवा अच्छी होगी तो ही जो ग्लाइडर है वो आपको ऊपर लेके जाएगा। और मेरी सांस फूल गई है। ओके, तो अभी हमने जो अमाउंट पे किया है 3,000 रुपीज़ पे किया है फॉर 1 पर्सन। तो अगर आप पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं तो आपको केरी बीच आना होगा और यहाँ पे 3,000 रुपीज़ में आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। बहुत चढ़ाई है, सांस फूल गई मेरी तो ऊपर चढ़ते चढ़ते। तो अभी हम बहुत ऊपर चढ़ के आए हैं, बहुत थक गए और आपको स्पॉट दिख रहा होगा, यहीं से अभी हम पैराग्लाइडिंग करेंगे। और बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, अब हमारा भी नंबर आएगा। सो मेरी सिस्टर जा रही है, अगर ठीक लगेगा उसे तो ही मैं जाऊंगी, अदरवाइज शी विल ओनली डू इट। ओके चलो। Thank you.
अच्छा, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? अमेजिंग. और ये करना चाहिए किसी को? जरूर, मैं तुझे भी बोल रही, कर ले. सो ही वाज द ग्लाइडर. आपका नाम क्या है? मनीष. अच्छा, अगर किसी को बुकिंग करनी होगी तो आप अपना नंबर बता दो. 7018594920. अच्छा ठीक है, तो मैं इनका नंबर इसी वीडियो में दे दूंगी. अगर किसी को भी केरी बीच पर पैराग्लाइडिंग करनी है तो आप इन्हें कांटेक्ट करके एडवांस में बुकिंग करवा सकते हैं. सो मेरी सिस्टर ने अभी किया है, हर एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग. अगर आप पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं तो उसके साथ ये आपको वीडियो भी शूट करके देते हैं और आपके फोन में वो ट्रांसफर कर देंगे ताकि आप अपने साथ अपना एक्सपीरियंस साथ में ले जा सके. एंटायर नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा में भी आई थिंक पैराग्लाइडिंग नहीं होती है, यहीं पर होती है. तो अगर किसी को भी गोवा में पैराग्लाइडिंग करनी है तो दिस इज द स्पॉट. और मेरे पीछे अभी यहाँ पे पैरामोटरिंग भी हो रही है, तो यहाँ के लिए स्पॉट तो पता नहीं है क्योंकि बिकॉज आई थिंक वहाँ उस साइड पे जाना पड़ेगा पैरामोटरिंग के लिए. यहाँ पे अभी इस वक्त सिर्फ पैराग्लाइडिंग हो रही है. और अगर आपको टाइमिंग जानना है तो अराउंड 2:00 to 6:00 तक यहाँ पर ये पैराग्लाइडिंग होती है. अराउंड 3000 वन पर्सन का ये चार्ज करते हैं. अगर आपके पास ज़्यादा लोग हैं और आपका बड़ा ग्रुप है तो आप थोड़ा सा नेगोशिएट भी कर सकते हैं प्राइस में, तो वो थोड़ा सा आपको प्राइस कम करके भी दे देंगे. सो दिस इज़ एन अमेजिंग एडवेंचर स्पोर्ट जो कि आपको गोवा में तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए क्योंकि यहाँ से बीच का बहुत ही बढ़िया व्यू आता है. यहाँ पे अभी सनसेट होने वाला है एंड थोड़ी सी ज़्यादा भीड़ हो गई है और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट है अभी इस वक्त. इंटरनेशनल टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे. अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ द बीच एंड दैट पॉइंट. वहाँ पे अभी हम पैराग्लाइडिंग करके आए हैं एंड नाउ हम इसी साइड से आगे होते हुए जाएंगे. We'll go on this side. तो बहुत सारे लोग अभी पानी के अंदर हैं, यहाँ पे स्विम कर रहे हैं. अगर आप केरी बीच आ रहे हैं तो ये मंदिर वाला एंट्रेंस है. यहाँ से अगर आप आएंगे तो मेनली यही टूरिस्ट स्पॉट है. यहाँ पे बहुत सारे लोग चिल करते हैं, बैठते हैं और यहाँ पे ही आपको इस साइड पे आपको सबसे ज़्यादा क्राउड देखने मिलेगा. एंड अगर आपको केरी बीच पे थोड़ा कम क्राउडेड स्पेस चाहिए तो आप उस साइड से फेरी वाला जो एरिया है उस साइड से आप एंटर कर सकते हैं. वहाँ पे कम क्राउड रहता है. मोस्टली जो क्राउड है वो आपको यहाँ देखने मिलेगा. दिस इज़ इट फ्रॉम टुडेज़ वीडियो. इवनिंग हो चुकी है, पूरा दिन ख़त्म हो गया आज यहाँ पे केरी बीच पे. हाईलाइट था आज का जो ये पैराग्लाइडिंग हमने की, तो वो हाईलाइट था आज का. सो इट्स एन अमेजिंग स्पॉट. अगर आप थोड़ी शांति चाहते हैं, कम क्राउडेड प्लेस, तो अभी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी लाइटिंग हो गई है, लाइट्स जल गई है शैक्स वगैरह पे. सो इट्स अ नाइस बीच. तो डेफिनेटली कम एंड चेक दिस बीच. तो हर बार की तरह अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट गोवा स्पॉट पे. टिल देन कीप लविंग गोवा. बाय.